कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, लाके वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है। और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने का है, देने की बात है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। ये प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी, एक दो सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मौसमी। राहुल जी, ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी, तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है, इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50-60-70-80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी।